पंजाब से शुरू हुआ कांग्रेस का गृह युद्ध अब दिल्ली तक पहुंच चुका है। पंजाब में कैप्टन बनाम सिद्धू के बाद अब कैप्टन बनाम केंद्रीय नेतृत्व हो गया है, क्योंकि कैप्टन ने केंद्रीय नेतृत्व को चुनौती दी है, जिसके बाद हरीश रावत ने एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट जारी किया और उसमें कैप्टन की कमियों का जिक्र करते हुए ये कहा कि कैप्टन को कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया, मुख्यमंत्री बनाया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, लेकिन कैप्टन जो वादा करके सत्ता में आए थे उसे डिलीवर नहीं कर सके, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। कैप्टन बीजेपी के इशारे पर चल रहे हैं, मुखौटे की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसके बाद कैप्टन ने भी निशाना साधा और कैप्टन अपने ट्वीट में कहते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस ने कमान दे दी जो इसके लायक नहीं था। ये तो कहानी हो गई पंजाब की, लेकिन कमोवेश ऐसी ही स्थिति कांग्रेस के हर राज्य में चल रही है। जहां कांग्रेस सत्ता में है वहां भी, और जहां कांग्रेस सत्ता के लिए लड़ाई लड़ रही है वहां भी। दिल्ली में भी एक लड़ाई हो रही है, वो है कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं। तथा कथित G23 के नेता ने घेरेबंदी शुरू कर दी है और ये घेरेबंदी नेतृत्व के ऊपर है। नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस के पास अपना अध्यक्ष नहीं है और जो तस्वीर निकल कर सामने आ रही है वो पुराने नेता वर्सेस नए नेता की है, जिस कांग्रेस में गांधी परिवार से इतर कुछ सोचा नहीं जा सकता था, आज वहां एक पूर्वकालिक अध्यक्ष की मांग हो रही है और वो भी गांधी परिवार से अलग। G23 जो एक साल पहले सोनिया गांधी को ये पत्र लिखते हैं कि एक पूर्वकालिक अध्यक्ष कांग्रेस को चाहिए, आज वो कांग्रेस में अलग अलग नेताओं के छोड़े जाने पर कांग्रेस के कमजोर होने की दुहाई दे रहे हैं। कपिल सिब्बल के बयान के बाद जिस तरह से कांग्रेस के ही नेताओं द्वारा, कार्यकर्ताओं द्वारा उनके आवास पर नारेबाजी, तोड़फोड़ की जाती है, उसकी शिकायत और उसको लेकर जो है नाराजगी वो तमाम नेता दिखा रहे हैं। अब कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से कहा गया है कि जल्द ही G23 के नेताओं के कहने पर वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई जाएगी। लेकिन सवाल ये कि 2024 की जो लड़ाई कांग्रेस लड़ना चाहती है उसके लिए पहले कांग्रेस को खुद मजबूत होना होगा, और जो स्थिति दिख रही है इसमें कांग्रेस अपने ही घर में घिरी हुई नजर आ रही है।